पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नेम सिंह बहेलिया को एक बार फिर समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव के पद से नवाजा गया है। अपने मनोनयन के बाद 22 जून मंगलवार को लगभग 11 बजे जब नेम सिंह बहेलिया लखनऊ से बाई रोड मुरादाबाद पहुंचे तो सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और अन्य सपा नेताओं कार्यकर्ताओं और नेम सिंह बहेलिया के शुभचिंतकों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाएं पहनाकर उन्हें सपा SC ST प्रकोष्ठ में एक बार पुनः प्रदेश सचिव बनने पर बधाई दी। रेलवे स्टेशन से बहेलिया के समर्थक उन्हें एक DCM में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ कपूर कंपनी चौराहा, फवारा चौक, मुरादाबाद क्लब, पीलीकुटी चौराहा, अम्बेडकर पार्क, महिला थाना होते हुए चक्कर किमलक स्थित सपा कार्यालय में ले गए। सपा कार्यालय पहुँचने पर अनेकों सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाएं पहनाकर प्रदेश सचिव का स्वागत किया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको सभी को बधाई दूंगा और शानदार और जानदार इस ज़िले के कमान जो सिमाले बैठे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जयवीर यादव साहब को, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरी तिलों की गहराई से बहुत बहुत बधाई। और बधाई मैं उन्हें भी दूंगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और समझा क्या, एक समाजवादी वो पार्टी है कि आप किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, भेदभाव का मामला चला आता है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि दबे कुचले समाज को, पिछड़े समाज को, किसी भी समाज को अगर कोई गले लगाती है तो वो एक समाजवादी पार्टी है। हमें जो सम्मान मिला है उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारी अपनी जाति के लोगों से अपील करेंगे कि 2022 के अंदर में माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना है और उनको बनाना है, ऐसा हमें संकल्प लेना है। और हमने तो लिया ही है, बाकी और समाज के जो लोग हैं उन सब से मैं अपील करूंगा कि 2022 में फिर से माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी को और SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक मजबूत साथी, वफादार कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। मैं समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नेम सिंह बहेलिया समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत साथी हैं, पुराने साथी हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करा है। समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद जनपद में लेकर आसपास के जिलों में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, अपने समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, अपने समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये निर्णय जो हमारे SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय करा नेम सिंह बहेलिया जी को प्रदेश सचिव बनाकर। मैं इस अवसर पर नेम सिंह बहेलिया जी से यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें, समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करें, समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर जाकर मजबूत करने का काम करें। और समाजवादी पार्टी का जो इस समय अभियान चल रहा है वोटर लिस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जो 18 की एज पार कर चुके हैं उनको वोट बनवाने का काम करें। हर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर अपने साथियों के साथ सिर्फ वोटर लिस्ट पर ध्यान दें और वोटर लिस्ट पर काम करें। मैं और हम समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सभी कार्यकर्ताओं को नेम सिंह बहेलिया के प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर बहुत खुशी है। सबको, हमारे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि नेम सिंह बहेलिया प्रदेश सचिव बने हैं, तो हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ा है कि हम भी मेहनत करेंगे पार्टी के लिए तो हमें भी कहीं ना कहीं ऊँची ओहदा मिलेगा। तो मैं अपने पुनः
प्रदेश अध्यक्ष जी को और नेम सिंह बहेलिया जी को एक बार बधाई देना चाहता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।